जब मैं मूवी देखने गई, सबसे बड़ी त्रासदी पहले सीन से ही हो गई। हिंदू गलत थे, हजार लोगों को तुम मारो और फिर तुम बोलते हो अब मेरे दिल की जो जो मतलब हेट है वो ठंडी हो गई। कश्मीरी हिंदू पे ये कोई मूवी नहीं बनी, कश्मीरी हिंदू जेनोसाइड से इसका कोई रिलेशन नहीं है, कोई एक्सोडस से रिलेशन नहीं है, कुछ नहीं है। दिव्या, कल आप स्क्रीनिंग में गई थी शिकारा, जो कि विधु विनोद चोपड़ा, ही हैज़ रिटर्न टू डायरेक्शन आफ्टर अ हाइएटस, और मच एंटिसिपेटेड थी कि वो कश्मीर पर बनी, हमारे जेनोसाइड पर बनी एक मूवी है, क्योंकि इट वाज़ मार्केटेड एज द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ कश्मीरी पंडित्स। तो ऐसा क्या हुआ स्क्रीनिंग के दौरान कि आप इतने गुस्से में थी और आपने आउटराइटली बोला कि वी कश्मीरी इज़ डिसओनर्ड? तो ऐसा क्या था मूवी में जो आपको सही नहीं लगा? ऐसा कुछ था ही नहीं मूवी में जो कश्मीरी हिंदूज़ के ऊपर था, ना ही जेनोसाइड के ऊपर था, ना ही एक्सोडस के ऊपर था, और कश्मीरी कल्चर नहीं था, कश्मीरी हिंदू कल्चर नहीं, कोई कल्चर ही नहीं दिखाया था। एक दो कपल्स के बीच की एक प्रेम कहानी थी, अगर वो उसको प्रेम कहानी के तौर पे ही सेल कर लेते तो ठीक था, हम भी आराम से जाके देख के आते, हमें भी कोई गुरेज नहीं था। लेकिन पूरे प्रमोशन के टाइम पे वो ये कहते हैं तो जेनोसाइड की स्टोरी है, ये तो ट्रूथ हम बता रहे हैं, पूरे विश्व को पता चलेगा कि जेनोसाइड हुआ है कश्मीरी पंडितों का, हिंदू का, हम उनका दिल दर्द दुख पूरे देश के सामने ला के रख देंगे। हमें लगा अच्छा यार, पता नहीं मतलब सही में ला के रख देंगे, 30 साल के बाद किसी की आँखें खुली हैं, कोई मेन स्ट्रीम डायरेक्टर आकर बहुत बढ़िया मूवी बनाएगा, बिग बैनर मूवी बनेगी, और हमारा जो रियल कॉज है जिसको जस्टिस अभी तक नहीं मिला है, जिसका अभी तक क्लोजर नहीं हुआ है, जिसके जो क्रिमिनल्स हैं, जो मर्डरर्स रेपिस्ट हैं, वो अभी तक जेल की सलाखों में नहीं है, उनको फांसी नहीं मिली। तो मैंने सोचा कि यार ये जो मूवी है ये एक बेंचमार्क हो सकती है, कि मेरे को अगर कोई पूछेगा अगली बारी कि क्या हुआ था जेनोसाइड में, मैं बोलूँगी जाके पहले मूवी देखा शिकारा। बट जब मैं मूवी देखने गई, सबसे बड़ी त्रासदी पहले सीन से ही हो गई, और वो सबसे पहला सीन ये था कि एक कश्मीरी हिंदू को दिखाया कि वो एक लेटर लिख रहा है, किसको? प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। जेनोसाइड हुआ कश्मीरी पंडितों का कश्मीर में, भारत में, इंडिपेंडेंट भारत में, जो कश्मीर इंटीग्रल पार्ट है भारत का, आप प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका को क्यों मेल लिख रहे हैं, क्यों लेटर लिख रहे हैं? और अच्छा एक बार ही दिखाया, उसमें कहते हैं कि वो कम से कम 1,000 या कुछ 100 बारी उसने मतलब लेटर लिखा है, और वो लेटर पूरे मूवी में वो लेटर लिख रहा है प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। कौन है भाई, हु द हेल इज प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका? वी कश्मीरी हिंदूज डोंट बिलीव, वी बिलीव इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हां वी बिलीव, कश्मीरी मुस्लिम्स हैं जो चाहते हैं कि ये इंटरनेशनलाइज हो जाए इशू, पर हम क्या किया है मूवी के डायरेक्टर ने, बड़े शातिर तौर से एक स्ट्रैटेजी कॉन्स्पिरेसी करी कि हम ना कश्मीरी हिंदुओं के कंधे पे रख के जिहादी गोली चलाएंगे और सेकुलरिज्म दिखाएंगे और ये बताएंगे कि हिंदू गलत थे, ये तो हिंदू हैं जो इंटरनेशनलाइज कर रहे हैं, हिंदुओं जो भागे हैं वो अपनी मर्जी से भागे, उन्हें थोड़ी किसी जिहादी ने या इस्लामिक रेडिकल्स ने निकाला, ना 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 ना, मुस्लिम्स बहुत अच्छे हैं, वो बिल्कुल कम्युनल हैं, ये हिंदू हैं जो हेट और डिवाइड रूल करते हैं। मैं भी प्लान कर रही थी मूवी देखने का, लेकिन कल एक ऐड आई थी जिसमें उनकी ऑल ऑफ अ सडन जो द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ कश्मीरी पंडित्स थी वो बन जाती है टाइमलेस लव स्टोरी इन द वर्स्ट टाइम्स और समथिंग लाइक दैट। सो जब मैंने वो टैगलाइन देखी, इट स्टक मी, आई वाज लाइक कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आप तो मार्केट कर रहे थे और पूरी स्ट्रैटेजी जो पिछले कुछ महीनों में थी वो यही थी कि जेनोसाइड पर दिखाई जाएगी। सो जब हमने वो देखा तो हमने कहा अभी हम नहीं देखेंगे, पहले हम फर्स्ट हैंड रिव्यूज सुनते हैं क्या है और कैसा, और आपका वीडियो जब हमने देखा देन वी डिसाइडेड कि हम नहीं देखेंगे, बिकॉज आप यू नो हमें तो ऑब्वियसली वी कुड कनेक्ट कि जैसा आपने अभी बताया कि उसमें तो दिखाया ही नहीं है, बट इट वॉज एक्सपेक्टेड कि वो दिखाएंगे, द पेग वॉज जेनोसाइड और उन्होंने आज आके उसको ये किया। देखो मेरे को एक और चीज़ से गुरेज है, चलो आपने नहीं दिखाया इस्लामिक जिहाद पर आपने हिंदू हेट दिखाई, पूरी मूवी में ऐसा हिंदू हेट दिखाई, उसमें एक बच्चा दिखाया जो कहता है कि मंदिर वहीं बनाएंगे, मस्जिद के ऊपर मंदिर वहीं बनाएंगे, आपने ये तो दिखा दिया अयोध्या से कनेक्ट करके, आपने वो सीन दिखा दिया रिफ्यूजी कैंप में, तो फिर आपने इस्लामिक रेडिकल्स को क्यों नहीं दिखाया? वो भी दिखा देते, बैलेंस कर लेते, पूरे सेकुलरिज्म का निभा लेते, लेकिन यहाँ पे इन्होंने हिंदू कम्युनल डिवाइड दिखाया कि हिंदू जो है वो कम्युनल है, लेकिन कश्मीरी मुस्लिम्स या जो मुस्लिम्स इन जनरल कश्मीर में है वो जो है ना बड़े सेकुलर हैं, उनको तो मतलब बिल्कुल भी हेट नहीं। तो यहाँ पे हिंदू फोबिया का जो हम एहसास कर रहे हैं वो पूरे मूवी में फैला हुआ था, पूरी मूवी में।
मतलब इट्स रियली शॉकिंग बिकॉज हमने सच में लगा था कि 30 साल के बाद एक मेन डायरेक्टर आप बोल रही कि टाइटल चेंज किया, सब टाइटल चेंज किया, पोस्टर चेंज हुए, ये मेरे को जब मैंने कन्फ्रंटेशन करी उसके जब बाद में ऑडिटोरियम से बाहर निकली तो मुझे पता चला कि ऐसा कुछ हुआ है. तो आई वॉज शॉक्ड, आई वॉज सरप्राइज कि जो मैंने इमोशंस व्यक्त करे वो एक्चुअली 100% ट्रू और वैलिड यही करता है, विधु विनोद चोपड़ा खुद ही करता है. जब मैंने उसको कन्फ्रंट किया और मैंने उसको बताया कि ये आपने हमारी त्रासदी तो कुछ दिखाई नहीं, आपने क्यों बोला कि ये फिर जेनोसाइड के ऊपर स्टोरी है, सच दिखा रहे हैं. बाहर निकल के जब मैंने देखा टाइमलेस लव स्टोरी इन डिफिकल्ट टाइम्स एंड वॉट एवर बकवास, तो फिर मुझे ये लगा कि जो मैंने किया बहुत अच्छा किया, इससे 1000 गुना ज़्यादा करना चाहिए था मुझे. तो आपने जैसे ही ये बोला तो ट्विटर पर एक ट्रेंड केपीज डिसओन शिकारा बहुत ट्रेंड स्टार्ट हो गया और अभी तक वो ट्रेंड ही कर रहा है. और मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये जो एलिटिस्ट कश्मीरी हिंदूज हैं शायद वो विधु विनोद चोपड़ा के साथ साइड करते हैं, जो लेकिन आम कश्मीरी नागरिक आम कश्मीरी हिंदू आपकी और मेरी तरह हम ये चाहते थे कि सफर किया ना, हमारे पास तो तब भी पैसा नहीं था, आज भी पैसा नहीं है, हम आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं लेकिन हम खुश हैं, हम देशभक्त हैं, हम राष्ट्रवाद हैं, सबसे ज्यादा हम कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव करते हैं, हम भारत में बिलीव करते हैं, हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में बिलीव करते हैं. एक कश्मीरी पंडित, एक कश्मीरी हिंदू दिखा दीजिए जो खड़े होकर ये बोले मैं प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका में बिलीव करता हूँ और इंडिया में नहीं. अगर ऐसा हमारी जो पिलाइट है, हमारी जो पिलाइट है जेनोसाइड की, वो हमारा प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका समझ सकता है, वो सॉल्व कर सकता है सिचुएशन को, लेकिन इंडियन प्रेसिडेंट की कोई औकात नहीं है, वो नहीं कर सकता, भारत की कोई औकात नहीं है. दैट मींस यू डिसओन Constitution. You disown Bharatiya citizenship, but you think that you are Kashmiri but not Indian. ये इशू कश्मीरी हिंदू का है नहीं, ये इशू कश्मीरी मुस्लिम का है, क्योंकि कश्मीरी मुस्लिम एक आइडेंटिटी डिस्प्यूट से चल रहा है, उसको पता ही नहीं है, वो पता भी नहीं है, वो तो मानता ही नहीं कि वो भारतीय है, वो तो बोलता ही नहीं है, वो भारत माता की जय नहीं बोलते, वो तो ये बोलते हैं यहाँ पे क्या चलेगा निजाम मुस्तफा, कश्मीर का नाता क्या ला इला इल्ला अल्लाह, वो तो क्लियर है. लेकिन उन्होंने हिंदुओं को हेट में रखा, हिंदुओं के कंधों पर रख कर गोली चलाई जिहादियों की और कॉन्स्पिरेसी रची हमें डिफेम करने की, हमें कम्युनल दिखाने की और कश्मीरी मुस्लिम्स को सेकुलर दिखाने की. ये एक बहुत बड़ी साजिश है, ये पूरी मूवी एक साजिश, क्योंकि ये जब ऑल ऑफ अ सडन इसकी रिलीज डेट पे इसका सबटाइटल चेंज होना ही एक मुझे तो एक सिनिस्टर प्लान लग रहा था. और मैंने सिनिस्टर प्लान, आपने अगर वीडियो देखी होगी तो मैंने इसमें सवाल पूछा है उससे कि आपने अगर कश्मीरी जेनोसाइड पे वीडियो बनाई, सारे वर्कर्स अगर कश्मीरी पंडित रिफ्यूजी से आपने लिए, तो आप दो जो लीड रोल्स ले रहे हैं कपल्स के लिए वो भी तो आप कश्मीरी पंडित या हिंदू ले सकते थे. लेकिन इन्होंने जान पूछ के मुस्लिम लिया, जान पूछ के, क्योंकि उन्हें पता था कि ऑन स्क्रीन इनको शिव और शक्ति करके दो कैरेक्टर्स दिखा देंगे हिंदू, जो मुस्लिम क्यों था रियल लाइफ के, रियल लाइफ में मुस्लिम क्योंकि आपको सेकुलरिज्म का जामा पहनाना था और दुनिया को ये बताना था कि विधु विनोद चोपड़ा बहुत महान इंसान है. आपको याद होगा मिशन कश्मीर में भी उन्होंने कुछ ऐसा जिहादियों दिया, जिहादियों को एम्पथाइज किया था, उन्होंने बोलते कि जिहादी बहुत मासूम होते हैं, उनको तो कुछ पता ही नहीं था. वो आप देखिए मिशन कश्मीर का क्रक्स क्या था, कि जो ऋतिक रोशन रोल प्ले कर रहा है जिहादी का, वो सबको मार देता है, सबकी तबाही हो जाती है, उसके बाद वो जब बच भी जाता है इन द एंड, और वो बड़ा खुशी से बोलता है हाँ अब मैं जिहादी नहीं, 1000 लोगों को तुम मारो और फिर तुम बोलते हो अब मेरे दिल की जो जो मतलब हेट है वो ठंडी हो गई, अब मैं खुश हूँ, अब मैं जिहादी नहीं. सो क्या मूवी में भी यही दिखाया है कि जो कश्मीर में जो जिहादी रेडिकल इस्लाम है उसमें पाकिस्तान का हाथ कुछ नहीं है, पाकिस्तान ने दिखाया, उसमें बोला कि अमेरिका की गलती है, अमेरिकन की गन से जो अफगानिस्तान से आई और इंडिया में जाके कश्मीर के अंदर जिहाद कर दिया, ना पाकिस्तान आया ना जिहाद वर्ड तो यूज ही नहीं किया. तो अगर आपको याद होगा दिव्या, जब 1990 में ये जब मतलब जो ये कश्मीर प्रॉब्लम जब स्टार्ट हुई, तब बेनजीर भुट्टो का एक बहुत ही वो जो शी वाज इंसाइटिंग वो बहुत प्रचलित हुआ था, शी वाज ओपनली कॉलिंग फॉर जिहाद अगेंस्ट इंडिया, अगेंस्ट द इंडियन स्टेट, एंड शी वाज इंसाइटिंग द कश्मीरी मुस्लिम्स. अगर आपको ये सब याद होगा तो मतलब मूवी में उसके बारे में बिल्कुल क्लीन क्लीन वाइट कुछ नहीं हुआ है. उसमें 5 सेकेंड्स की क्लिप है, 5 to 10 seconds. And I'm saying seconds taking all responsibility. Seconds में दिखाया वो मूवी के अंदर कि बेनज़ीर भुट्टो किस तरीके से इंसाइट कर रही है. But it's open. It's an open source. And then उसमें भी
एडिटिंग की गई और उसमें वो जो नारे थे उस वीडियो में कि कश्मीर हमें चाहिए, कश्मीरी पंडित औरतों के साथ बिना कश्मीरी मर्दों के, कश्मीरी हिंदू मर्दों के, या यहाँ पे हमें शरिया फॉलो करना है, हमें इस्लामिक स्टेट, कुछ नहीं दिखाया, सारा कट कर दिया। बट अगर अगर आप कोई भी जो कश्मीर मुद्दे से या जम्मू कश्मीर मुद्दे से के जानकार होंगे, उनको तो सब पता है कि कश्मीर का जो प्रॉब्लम ही रिलीजियस फंडामेंटलिज्म है। एंड अगर विदू विनोद चोपड़ा ने इस मूवी को ही मार्केटेड इट एज एन अनटोल्ड स्टोरी ऑफ कश्मीरी पंडित, आई थिंक हमारी कम्युनिटी इतना तो उनसे एक्सपेक्ट कर ही सकती थी कि यह एटलीस्ट एट फेस वैल्यू हमारे जेनोसाइड को दिखाएंगे। बट उन्होंने आई हर्ड कि आप उनकी हिपोक्रेसी देख रही हैं। जब मैंने उनको कन्फ्रंट किया तो उसके बाद वो कहते हैं, जब मैं कन्फ्रंट करके रोकते बिलकते हुए सीट पर बैठ गई, सुशील पंडित जी मेरे साथ थे, वो मुझे कंसोल कर रहे थे, तो वो क्या रिप्लाई करते हैं कि अरे अरे इनके लिए तालियां बजा रहे, इनके लिए शिकारा टू बनाएंगे, और फिर क्या कहते हैं कि सच के दो पहलू होते हैं, कौन सा सच सच होता है, सच का कोई दो पहलू नहीं होते। फिर कहते हैं आप सच को बहुत तरीकों से देख सकते हैं, ऊपर से देख सकते हैं, नीचे से देख सकते हैं, इधर से देख सकते हैं, उधर, तो ठीक है मैं उनकी स्टेटमेंट लेती हूँ, इधर से देख सकते हैं, उधर से देख सकते हैं, नीचे से देख सकते हैं, ऊपर, फिर दिखाइए सारे पहलू। आपने कोई पहलू दिखाया? आपने हिंदुओं को पहलू दिखाया? नहीं। आपने हिंदुओं को ही गलत साबित कर दिया। आपने मुस्लिम्स का पहलू दिखाया? नहीं। आपने उन्हीं को सही साबित कर दिया। तो आपने किसका साथ दिया? झूठ का साथ दिया, सच का साथ तो नहीं दिया। तो सच के जो दो पहलू भी थे वो आपने दिखाया ही नहीं, थे ही नहीं। तो मूवी में क्या इन्होंने फिर से कहीं बहुत सटल तरीके से जो जिहाद है या जिहादीज है उनकी इमेज को भी वाइट वॉश किया है क्या लतीफ के कैरेक्टर के थ्रू? और जैसा कि हम हमेशा देखते हैं जो भी ये सेक्युलरिज्म बेंट की मूवीज होती है, हमेशा एक नरेटिव पैदल करती हैं कि आतंकी तो बहुत ही अच्छा बैट्समैन था, बहुत ही शरीफ घर का लड़का था, बहुत ही पढ़ाकू था, बट इंडियन स्टेट की तरफ से कोई अट्रॉसिटी हुई। तो ऐसा क्या इस मूवी में भी है जो कि ये पाकिस्तानी नरेटिव है जो हिंदुस्तानियों को फीड किया जाता है और जो पाकिस्तान अपना दिन रात लगा होता है इस नरेटिव को पैदल कर, तो ऐसा कुछ है क्या? ऐसी पूरी मूवी ही है, और ये सटल वे में नहीं, पूरी मूवी में अच्छे से क्लियरली यही दिखाया गया है कि पहले रेडिकल जिहादी पहले तो दिखाया नहीं, वो एस्पेक्ट तो छुपा दिया, लेकिन उसका जो एक्सट्रीम कन्वर्जन जो होता है, पहले देखो तो बहुत अच्छा प्रोग्रेसिव मुस्लिम होता है, बहुत अच्छा होता है, इज सो वेल, बट अचानक से एक दिन उसको ये रियलाइज होता है कि अब मुझे ये नहीं होना है, अब मुझे नेक्स्ट, सो देर इज कंटिन्यूटी जंप, टेक्निकल वर्ड है ये, सिनेमाटोग्राफी में आता है, मीडिया में आता है, जो कंटिन्यूटी जंप इतने सारे थे, ये मूवी को तो पहले समझने में इतना टाइम लग रहा था कि किस महामूरख ने ये डायरेक्ट किए, मुझे समझ नहीं आता, और जो इसका फोटोग्राफर DOP रहा होगा, डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी, मुझे उसकी इंटेलेक्ट और स्किल्स पे भी डाउट हो रहा है कि कितनी महा बेकार तरीके से इसे डायरेक्ट किया गया है। दिव्य एक और सवाल है, 370 जब अगस्त 5 को जब से 370 एब्रोगेट हुआ है जम्मू कश्मीर में, उसके बाद से हम ये बहुत गर्व के साथ कह सकते हैं कि जो कश्मीर है वो वाकई में बहुत फुल्ली इंटीग्रेट हुआ है हिंदुस्तान के साथ। बट मैंने ये सुना है कि इसमें कहीं ना कहीं वो प्लेबिसाइट की बात को भी दिखाया गया है मूवी में, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? एक सीन था जिसमें वो हॉस्पिटल में होता है और पीछे TV स्क्रीन चल रहा होता है जहाँ पर प्लेबिसाइट की बात हो रही है, नेहरू की बात हो रही है, और ये सब चीज़ों की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं हम साफ साफ देख सकते हैं कि विदू विनोद चोपड़ा ने लेफ्टिस्ट, एंटी नेशनल और सेपरेटिस्ट का पक्ष लेते हुए मूवी बनाई है। तो इसने ना कश्मीरी हिंदू का नैरेटिव देखा है, ना ही इसने नेशनलिस्ट नैरेटिव देखा है। इन्होंने सारी जो कुर्बानियां आर्मी ने दी हमारे लिए, हमें बचाया, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें रीसेटल किया, रिहैबिलिटेट किया बाकी स्टेट्स में, बाकी जारी जगहों पर, वो बिल्कुल वाइट वॉश कर दिया। मैं ये जानती हूँ, ये मानती हूँ कि हाँ हम कश्मीरी हिंदुओं को वो वार्म वेलकम इतना नहीं मिल पाया, लेकिन उसमें उनकी भी गलती नहीं थी, ये जो चीज़ की ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, लेकिन फिर भी जितना भी हुआ हमारे मदद तो मिली, हम जिंदा तो हैं ये बोलने के लिए, सब जानते और हम गर्व करते हैं अपनी आर्मी पे, अपने देश पे, अपने संविधान पे, अपने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पे, जो है हम उन पे विश्वास करते हैं, और ये गर्व एक कश्मीरी मुस्लिम को नहीं है।
उस टाइम जब ये 1990 में हमें हमारे घरों से खदेड़ा गया था, ये सब जानते कि उस टाइम फारूक अब्दुल्ला जो कि चीफ मिनिस्टर थे वो लंदन भाग गए थे, तो ये एक स्टेट स्टेट एज अ चीफ मिनिस्टर ये उनका राजधर्म था अपने सिटीजंस को अपने स्टेट सब्जेक्ट्स को प्रोटेक्ट करना, जो उन्होंने नहीं किया उस टाइम। जिसने भी हमारा वेलकम किया चाहे जैसा भी किया, उस टाइम पे सोशल मीडिया उतना था नहीं, सो जिसको जिन लोगों को बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं था क्या हुआ, तो वी कांट ब्लेम देम। बट आई जस्ट वांट टू आस्क यू क्वेश्चन कि अगर उन्होंने प्लेबिसाइट दिखाया है तो मेरे हिसाब से प्लेबिसाइट इन पर्सपेक्टिव को पुट करने के लिए उनको जेनोसाइड दिखाना चाहिए था, बिकॉज दैट इज हाउ द होल कॉन्फ्रंटेशन व्हिच आई डिड शोन प्लेबिसाइट एंड देन नॉट शोन जेनोसाइड देन वी कैन कॉल इट अ प्रोपेगेंडा फिल्म, वुड इट बी रॉन्ग टू कॉल इट अ प्रोपेगेंडा फिल्म? नो, इट इज अ प्रोपेगेंडा फिल्म एंड इट इज अ प्रोपेगेंडा फिल्म बाय द विजुअलाइजेशन ऑफ अ लेफ्टिस्ट लिबरल आइडियोलॉजी व्हिच ओनली एम्स फॉर सेपरेटिज्म इन इंडिया एंड नथिंग मोर देन दैट and internationalizing Kashmir issue again after the abrogation of 370. India has a clear stand. After the abrogation of 370, you have audacity and dare to put in your movie that Kashmiri Hindu wants to internationalize this issue. It is a shame. It is a shame. And that is why I disown. I say that we Kashmiri Hindus disown it. And why Kashmiri Hindus only? I say pan-India Hindus disown this movie. Absolutely. And you know what hurts me the most? आपका रिव्यू सुनने के बाद मैं तो कहीं ना कहीं सोच रही थी कि मैं अपनी फैमिली को लेके जाऊंगी, क्योंकि हम ये मानते थे कि अनटोल्ड स्टोरी ऑफ जेनोसाइड हमारे जेनोसाइड को एट फेस वैल्यू दिखाएगा। मैं अपने बेटे को लेके जाने वाली एक सीन दिखा देते, एक सीन नहीं दिखाया। पॉइंट, यू नो व्हाट हर्ट्स मी, कि विधु विनोद चोपड़ा, नॉट इवन वन सीन आई कुड फाइंड व्हिच रिफ्लेक्टेड आवर जेनोसाइड और एक्सोडस। यू नो ही हिमसेल्फ इज श्रीनगर बॉर्न, हिज फैमिली वाज देयर एंड दे आल्सो हैड टू लीव कश्मीर, मे बी नॉट इन द सेम कॉन्टेक्स्ट, दे वर नॉट थ्रोन आउट, उनको शायद जबरदस्ती वहां से खदेड़ा नहीं गया, बट कश्मीर से उनका भी नाता है। और अगर ये मूवी उन्होंने वाइट वॉश की है उस बंदे ने जो खुद एक कश्मीर का वासी है, कह सकता है कि मैं कश्मीर से मेरे कनेक्शन से, दैट इज वेयर इट हर्ट्स द मोस्ट। यस, सो हाउ दैट इज द स्ट्रेटजी, इफ अ कश्मीरी हिंदू सेज about the atrocities which a state is state through state violence on Kashmiri Muslim, it makes more impact. So that's the tragedy. That's a tragedy on the Hindu samaj. Hindu samaj mein hi agar Hindu dusre Hindu ka dushman bankar rashtra ke khilaf bolta hai, to Hindu samaj kalankit hota hai. Aur yahi unka idea tha. Wo chahte the ki Kashmiri Hindu community ko kalank lage. और उन्होंने बहुत कोशिश करी, पर हमारी कम्युनिटी ये कलंक नहीं लगने देगी। और मेरे को इस बात की खुशी है कि हमारी कम्युनिटी खड़ी हुई और बोला कि हम इसे डिसोन करते हैं। सिर्फ हमारी कम्युनिटी ही नहीं दिव्या, अगर आप ट्रेंड्स को देखें कल के ट्विटर ट्रेंड्स को, केपीज डिसओन शिकारा पूरे अक्रॉस इंडिया ट्रेंड कर रहा है। एंड आई थिंक सोशल मीडिया एज में आप अब जैसा कि पहले लोगों को पता नहीं था तो हम उनको ब्लेम नहीं कर सकते कि आपने हमारी मदद, लेकिन आज की डेट में लोगों को सब पता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सो मुझे जो लगता है सबसे दुख इस बात का हुआ कि विधु विनोद चोपड़ा जो खुद कश्मीर से है, उन्होंने ये नरेटिव वाइट वॉश करने के लिए मुझे नहीं पता क्या वजह रही होगी, बट ये बेहद दुखद है। एज अ छोड़िए एज अ कश्मीरी और एज अ हिंदू, एज एन इंडियन आई एम डीपली हर्ट, क्योंकि वी बिलीव इन द स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वी बिलीव इट इन लेटर एंड स्पिरिट, वी वाउ बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और अगर ऐसा नहीं होता तो इतनी त्रासदी इतनी बर्बरता के बाद भी कश्मीरी समाज कश्मीरी हिंदू समाज शायद जिहादियों की तरह बंदूक उठाता। लेकिन आज अगर देखें आप यहाँ बैठी हैं तो आप एज एन इंटेलेक्चुअल यहाँ पर आके हमारे साथ डिस्कस कर रही हैं। सो अगर ऐसा होता, अगर मेरे जगह मूवी में कश्मीरी मुस्लिम्स की ऐसी बात की गई होती और मैं कश्मीरी मुस्लिम होती, तो आज की डेट में चार्ली हेब्दो वाला केस आपको याद है ना, वही हुआ होता विधु विनोद चोपड़ा के साथ। लेकिन आइडियोलॉजिकल वॉर पे वॉर फ्रंट पे हम जरूर कन्फ्रंट करेंगे, हम जरूर कन्फ्रंट करेंगे और हम डिसओन करेंगे उन लोगों को जो अपने आप को हिंदू कह के भी हमें हिंदू को कम्युनल बनाते हैं। और दिव्या, हमने मूवी के बारे में बहुत डिस्कस कर लिया, लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगी। गिरजा तिक्कू जो कश्मीरी समाज के लिए एक आइडल हैं, जिन्होंने इतनी बड़ी सैक्रिफाइस दी, उनको छल से वहाँ बुलाया गया, फिर उनके साथ गैंगरेप हुआ और उसके बाद उनको काट दिया गया, उनकी बॉडी को बहुत पीसेस में काट के वो किया गया, तो क्या इसका कहीं इस मूवी में कोई मेंशन है? हैव दे टच्ड अपॉन द एस्पेक्ट ऑफ लव जिहाद और एनी सच ब्रूटैलिटीज, एटलीस्ट कुछ तो?
मैं आपको एक सीन डिपिक्शन बताती हूँ मूवी से, वर्बिटम वैसे ही बताऊँगी कि क्या उन्होंने दिखाया. वहाँ दिखाते हैं कि जो लतीफ़ है, जो मतलब अपोजिशन है, लतीफ़ जो है, जो रेडिकल है, खैर रेडिकल तो दिखाया नहीं, वो बहुत अच्छा ह्यूमन बीइंग दिखाया उसे, बट वो एक आर्मी इन्वेस्टिगेशन क्वार्टर में होता है. और जो शिव एक कैरेक्टर है, जो कश्मीरी पंडित कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, तो आर्मी उनको बोलती है कि क्योंकि आप दोनों के बीच में दोस्ती है. आप देखिए, जब विधु विनोद चोपड़ा ये सेंटेंस कहते हैं टीवी में जाकर, कि मीडिया में जाकर वो कहते हैं कि इट इज़ अ फॉल आउट बिटवीन टू फ्रेंड्स, ट्रेजेडी ऑफ फॉल आउट बिटवीन टू फ्रेंड्स, तो वो बिल्कुल वैसा ही रिफ्लेक्ट किया भी है मूवी में. वो मूवी में वैसे ही दिखाया है. वो बता रहे हैं कि कश्मीरी पंडित हिंदू जो है वो बहुत अच्छा दोस्त है उस मिलिटेंट कश्मीरी मुस्लिम का, बट वो जो कश्मीरी मुस्लिम जो है वो बहुत अच्छा इंसान है, वो मिलिटेंट नहीं है. खैर, कमिंग बैक टू द सीन, तो जब कश्मीरी पंडित कैरेक्टर जो शिव है वो एंटर करता है और वो बैठता है उसके सामने, तो वो पूछता है कि तुम मुझसे इन्फॉर्मेशन निकालने आए हो, आर्मी ने तुम्हें भेजा है. तो वो कश्मीरी पंडित स्माइल करता है और वो कहता है मैं तो अपने दोस्त से मिलने आया हूँ. तो ये सेंटेंस ये हमें बताता है, जो वो एक्सप्रेशंस थे उसके चेहरे पे और वो पूरा सीन जो था वो हमें ये बताता है कि कश्मीरी पंडितों का पलायन इनकी वजह से नहीं हुआ, किसी और की वजह से नहीं हुआ, उनकी खुद की वजह से हुआ. पहला ये, दूसरा वो अभी भी उनके दोस्त हैं. जिन लोगों ने रेप किया, मर्डर किया, हमारा जेनोसाइड किया, वो अभी भी दोस्त बने हुए. विधु विनोद चोपड़ा ऐसा सोचते हैं कि कश्मीरी हिंदू दोस्त हैं उन सो कॉल्ड मिलिटेंट्स का, क्योंकि वो सो कॉल्ड ही हैं, उतने तो बहुत अच्छे इंसान हैं. फिर हम आगे बढ़ते हैं और सीन में ये देखते हैं कि जो लतीफ़ है वो कहता है अच्छा मैं ना एक कन्फेशन करना चाहता हूँ. जो आरती बहुत अच्छी दोस्त हिंदू कश्मीरी लड़की जो दोस्त थी शिव की और शांति की, तो वो कन्फेस करता है कि एक बारी हम एक गांव में गए, उस घर में सारे कश्मीरी पंडित रहते थे, मुझे नहीं पता कि वो उनकी रिश्तेदार थी, तो हम गए, हमने सबको AK-47 से भून दिया. फिर इन द एंड मैंने रियलाइज़ किया ओ ये तो आरती की बॉडी है, ठीक है, समथिंग लाइक दैट. तो दे हैव ट्रिवियलाइज्ड दे. और फिर बाद में कश्मीरी पंडित को दिखाया जाता है अच्छा अच्छा कोई बात नहीं वाला एक्सप्रेशन था, ठीक है मैं समझता हूँ. और उसने भी ऐसे बताया कि ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है और उससे ना छोटी सी कोई गलती हो गई, तो उसका वो कन्फेशन करके उसको माफ़ भी कर दिया, मतलब इट वॉज सच अ स्मॉल थिंग. और जैसे ही वो लतीफ़ को छोड़ लतीफ़ को बाय कहके जा रहा होता, तो मतलब ये एक ऐसा सीन किया होता कि मुझे इंडियन आर्मी की परवाह नहीं है, ये कश्मीरी पंडित का एक्सप्रेशन और वर्ड था, मुझे कश्मीरी आर्मी इंडियन आर्मी की परवाह नहीं है, मैं तो अपने दोस्त से मिलने आया हूँ. और फिर वो ये कह के और ऐसे कह के निकल जाता है. और जब वो शांति से अपनी वाइफ से मिलता है तो वो उसको कुछ नहीं बताता आरती के बारे में, वो ये नहीं बताता कि क्या हुआ. तो पूरा कॉन्सेप्ट लव जिहाद का, पूरा कॉन्सेप्ट मर्डर रेप का, पूरा कॉन्सेप्ट जब वहाँ कश्मीर में स्लोगन्स बोले गए थे मस्जिदों से लाउड स्पीकर से, और जो उन्होंने किया कि हमें कश्मीरी पंडित औरतें चाहिए बिना कश्मीरी मर्दों के, और फिर बाद में उन्होंने वो करके भी दिखाया, कश्मीरी औरतों का रेप किया, गैंग रेप किया, उनके जिंदा उनको काट दिया आरी से, और उनके साथ न जाने कितनी बर्बरता हुई जिसे हम बयान भी नहीं कर सकते, वो सब अंडर द कार्पेट था. एंड इट वॉज कि जो लतीफ़ था वो बहुत अच्छा इंसान था, बहुत अच्छा. So all in all, they have just trivialized our genocide, made it like any other run-of-the-mill tragedy. So it's really shocking. आपने जो जो बात बताई तो उसके बाद तो हम कतई नहीं जाना चाहेंगे इस मूवी को देखने के लिए. लेकिन वो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आपका व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है? मेरे लिए व्यूअर्स के लिए तो मेरा यही मैसेज है, देखिए मैं आपको मूवी देखने से तो रोक नहीं सकती, मूवी बाहर आ चुकी है, आप देखना चाहे देख सकते हैं, नहीं देखना चाहे, बस मेरा मैसेज सिर्फ एक है कि मूवी जब आप देखने जाएं तो इस कॉन्सेप्ट से ना देखने जाएं कि ये कश्मीरी हिंदू के ऊपर मूवी बनी, कश्मीरी हिंदू पे ये कोई मूवी नहीं बनी, कश्मीरी हिंदू जेनोसाइड से इसका कोई रिलेशन नहीं है, कोई एक्सोडस से रिलेशन नहीं है, कुछ नहीं है, इट इज़ अ लव स्टोरी, दैट्स इट. शूटेड इन कश्मीर, हैड शोन करेक्टर्स नेम्ड एज कश्मीरी हिंदूज, दैट्स इट. इसका ना कश्मीरी कल्चर से रिलेशन है, ना जेनोसाइड से रिलेशन, कुछ रिलेशन नहीं है. तो ये पूरी प्योर कमर्शियल मूवी है, इसमें कोई सच नहीं है, और फिक्शन के नाम पर भी
कोई कल्चर कुछ नहीं दिखाया है। तो आप लव स्टोरी देखना चाहते हैं वो भी घटिया सिनेमेटोग्राफी के साथ, तो बेशक आप जाके दे सकते हैं। मेरे लिए अगर इफ यू विल से रेटिंग फ्रॉम कश्मीरी पंडित कम्युनिटी, आई विल जस्ट से 0।